बरेली के बाजार में झुमका गिरा रे, इस गीत ने बरेली को सबकी जुबान पर ला दिया था। अब बरेली को आखिर झुमका मिल गया है। बरेली में राष्ट्रीय राजमार्ग 24 पर पारसा खेड़ा चौराहे पर 20 फीट ऊंचा झुमका लगाया गया है। झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, यह शब्द सुनते ही कोई भी इन्हें गुनगुनाने लगता है। हो भी क्यों ना, 1966 में आई फिल्म मेरा साया का यह गाना आज भी उतना ही ताजा है जितना इसे लिखते वक्त था। यह गीत मेरा साया में अभिनेत्री साधना पर फिल्माया गया था। दशकों बीत गए लेकिन इस गाने की मस्ती अब भी कायम है। इस गाने के बाद एक तो झुमका और दूसरा बरेली, ये दो ऐसे नाम थे जो हर किसी की जुबां पर थे। गाने के बाद से बरेली के बाजार को नई पहचान मिली और यह दुनिया में मशहूर भी हो गया। इतने मशहूर होने के बाद इसी बरेली शहर को अब एक झुमका भी मिल गया है। जी हाँ, बरेली में एक चौराहे का नाम झुमका तिराहा रखा गया है और यहाँ एक विशाल काय झुमका लगाया गया है। यूपी के बरेली में राष्ट्रीय राजमार्ग 24 पर पारसा खेड़ा पर 20 फीट ऊंचा झुमका लगाया गया है। पारसा खेड़ा पर इतना बड़ा झुमका इसी गीत से प्रेरित होकर लगाया गया है। इस झुमके का लोकार्पण केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने किया। यह झुमका ऐसी जगह लगाया गया है जहां इसे दिल्ली से आने वाला हर शख्स देख सकेगा। इसे लगाने की शुरुआत झुमका गिरा रे गाने की 50वीं सालगिरह पूरी होने पर की गई थी। बरेली विकास प्राधिकरण ने इसे अभिनेत्री साधना को श्रद्धांजलि देने के लिए लगाया है। बरेली वैसे भी अपनी ऐतिहासिक धरोहरों के लिए मशहूर है और उसके बाद अब यहाँ झुमका तिराहा लोगों के आकर्षण का केंद्र बन जाएगा। बरेली वासियों को और खास तौर से प्रशासन को इस बात के लिए धन्यवाद, एक अच्छा प्रयास किया है और वास्तव में एक बरेली की पहचान बीते लंबे वर्षों से जिस बात को लेकर पूरे देश में चल रही थी उसको एक मूर्त रूप देने का काम किया है। इसके आयोजकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और मुझे लगता है ये ऐसी प्रक्रिया है, धीरे धीरे चलती रहेगी और बरेली की पहचान और अच्छे स्तर से आगे बढ़ती रहेगी। जगह पर है जहाँ से जो दिल्ली से आने जाने वाले लोग हैं उन्हें बहुत ही प्रोमिनेंटली दिखाई देगा, तो निश्चित रूप से एक बरेली की जो सांस्कृतिक धरोहर है उसको हम लोगों ने एक मूर्त रूप देने का प्रयास किया है। इसमें निश्चित रूप से बरेली विकास प्राधिकरण में जो अभी वर्तमान VC हैं दिव्या मित्तल जी का बहुत बड़ा योगदान है और ये डॉक्टर केशव जो रोहिलखंड मेडिकल यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं उन्होंने मेरे अनुरोध पर एग्री किया कि उसको जन सहयोग से बनाएंगे, तो बहुत दिनों से लंबित प्रोजेक्ट को एक दिशा मिली और आज मूर्त रूप में सबके सामने। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।